गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू श्री एकनाथ लाखड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताईनगर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आई एम सचिन पाटिल योर साइंस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 6 सेफ्टी रूल्स। व्हाट इज आवर चैप्टर नेम? सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी, सेफ्टी माने सुरक्षा के नियम। सेफ्टी रूल्स, रूल्स माने नियम। सेफ्टी रूल, सुरक्षा के नियम। हम लोगों ने कौन से सुरक्षा के नियम हम लोगों ने फॉलो करने चाहिए, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं? सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस। सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस मतलब क्या? मतलब अलग अलग जगहों पे क्या सुरक्षितता हम लोगों ने बरतनी चाहिए। एंड सेकेंड टॉपिक इज फर्स्ट एड, और उस पर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, और शब्द क्या मेडिसिन यूज करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। नाउ सी, लुक एट द पिक्चर, फॉलोइंग पिक्चर। सम पीपल आर फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स व्हाइल सम आर नॉट। सम पीपल फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, कुछ लोग सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के रूल्स फॉलो करते हैं, व्हाइल सम आर नॉट, मतलब कुछ फॉलो नहीं करते। क्रॉस वन हु आर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, उनको क्रॉस करो जो सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, उनको क्रॉस करो। कौन फॉलो नहीं? ये फर्स्ट पिक्चर, हैव यू सीन द फर्स्ट पिक्चर? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक लड़की जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रही है, मीन्स दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। अभी इस पिक्चर में दो बच्चे फाइटिंग कर रहे हैं, तो ये सेफ्टी है क्या? सेफ्टी रूल्स के बराबर है क्या? नो, क्रॉस। यहाँ पर ये लड़की, ये लड़की क्या कर रही? व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग हियर? द गर्ल इज व्हाट? बर्न दी व्हाट? मैच बॉक्स। सो दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। अभी हम लोग हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या है हमारे इस चैप्टर में? देखिए यहाँ पर, आई एम रीडिंग द लाइन एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। सी, एक्सीडेंट्स कैन हैपन्स एनीवेयर। एक्सीडेंट्स माने क्या? दुर्घटना। एक्सीडेंट माने दुर्घटना। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, कहीं पर भी हो सकता है। एट एनी टाइम, कभी भी हो सकता है। एनीवेयर मतलब कहीं पर भी और किसी भी वक्त हो सकता है। दुर्घटना कहीं पर भी और कहीं भी और भी हो सकती है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एनी टाइम। पीपल गेट हर्ट इन द एक्सीडेंट। हर्ट माने चोट लग सकती है, लोगों को चोट लग सकती है एक्सीडेंट में। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स और इवन लॉस देयर लाइव्स। लॉस, उनको अपने जीवन, लाइव मतलब जीवन, अपना जीवन उनको भी गंवाना पड़ सकता है। किसको? लोगों को, अगर उनका एक्सीडेंट हुआ तो। पीपल गेट हर्ट इन द एक्सीडेंट और इवन लॉस देयर लाइव्स ड्यू टू माइनर केयरलेसनेस। केयरलेसनेस का मतलब क्या? कि अगर हम लोगों ने लापरवाही बरती, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो हम लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है और हम लोग, हमें हमारा जीवन, हमारा लाइफ लॉस हो सकता है, हमारा लाइफ लॉस हो सकता है। सो वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट। अगर हमें दुर्घटना अवॉइड करनी है तो हमें क्या करनी चाहिए? इफ़ वी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमें सुरक्षा के नियम यूज करने चाहिए। तो क्या है सुरक्षा के नियम? सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पे किस तरह से सेफ्टी बरतनी चाहिए? सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस मतलब अलग अलग जगहों पर। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। हम लोगों को फॉलो करना चाहिए क्या? सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए एवरीवेयर, हर जगह पर। कहाँ कहाँ पर? एट होम, इन स्कूल,
ऑन द रोड और इन द प्ले ग्राउंड, कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए बताइए। एट होम, और कहाँ पर? इन स्कूल, और कहाँ पर? ऑन द रोड, और कहाँ पर? इन ए प्ले ग्राउंड। इन जगहों पर हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आया समझ में? वेरी गुड। अभी घर पर, सेफ्टी एट होम, घर पर हम लोगों ने कैसे सुरक्षितता बरतनी चाहिए? सेफ्टी एट होम, हम लोग घर पर कौन सी सुरक्षितता बरतनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, मतलब मैच स्टिक, जो माचिस की तिलिया होती है, माचिस पता है ना, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, मैच स्टिक के साथ हम लोगों को खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स, हॉट, हॉट माने गरम, डू नॉट टच, टच नहीं करना चाहिए किसे? हॉट, हॉट माने गरम, और यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन, गरम बर्तन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल और बॉइलिंग वाटर, गरम पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए गरम बर्तन को। हॉट यूटेंसिल मतलब गरम बर्तन, हॉट माने गरम, यूटेंसिल माने बर्तन। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल और बॉइलिंग वाटर। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, डू नॉट कवर योर फेस विथ पिलो केस और एनी काइंड ऑफ बैग, आपका फेस, योर फेस, डू नॉट कवर, आपके फेस में क्या नहीं लगाना चाहिए? बैग नहीं लगाना चाहिए या कोई पिलो नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट कवर, आपके फेस में कोई बैग नहीं लगानी चाहिए और कोई पिलो केस नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर एल्डर्स, मतलब आपके बड़ों को, एल्डर्स मतलब आपसे जो बड़े हैं उनको बिना पूछे, विदाउट आस्किंग माने बिना पूछे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग, मतलब न अगर विदाउट आस्किंग मतलब बिना पूछे आपके बड़ों, आपके जो बड़े लोग हैं घर में उनको बिना पूछे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। नाउ टर्न द पेज, सी, डू नॉट लीव योर बुक्स, बैग्स, टॉयज एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर, आपके कोई भी बुक्स और बैग्स और टॉयज को फ्लोर पे, जमीन पे नहीं छोड़ना चाहिए। एनी बडी मे ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट, अगर आप लोगों ने जमीन पे वो छोड़ दिया तो कोई उस पर क्या हो सकता है? ट्रिप हो सकता है, स्लिप हो सकता है, तो वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज, डू नॉट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर, मतलब डू नॉट स्पिल, स्पिल मतलब स्पिल अ वाटर ऑयल, मतलब जमीन पर पानी या ऑयल नहीं डालना चाहिए, स्पिल नहीं करना चाहिए, स्पिल मतलब डालना नहीं चाहिए फ्लोर पे, जमीन पर। अगर हम लोगों ने जमीन पर पानी और ऑयल डाल दिया तो यू मे स्लिप एंड फॉल, आप क्या हो जाओगे? स्लिप हो जाओगे और नीचे गिर जाओगे। सो ये नहीं करना चाहिए, पानी और ऑयल नहीं डालना चाहिए। अवॉइड यूजिंग वाटर नियर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और गैजेट, अवॉइड, अवॉइड करना चाहिए क्या? वाटर, पानी नहीं लेके जाना चाहिए किसके पास? वाटर नहीं लेके जाना चाहिए किसके पास? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मतलब क्या? इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक सामान होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसके पास पानी नहीं लेके जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? शॉक लग सकता है। नेवर टच एनी स्विच और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को या किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए। यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड बिफोर टचिंग द वाटर, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करना चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड, अगर आप सुबह सुबह स्नान करना चाहते हो तो जो पानी गर्म करने वाला हीटिंग रॉड होता है उसको पहले स्विच ऑफ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड बिफोर टचिंग द वाटर, पानी को टच करने से पहले उस रॉड को क्या करना चाहिए? उसको इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ करना चाहिए, उसका स्विच ऑफ करना चाहिए, तब जाके हम लोग उस पानी को हाथ लगा सकते हैं। वियर ओनली कॉटन क्लॉथेस वाइल
लाइटिंग क्रैकर्स, वियर ओनली कॉटन क्लॉथेस, कौन से कपड़े पहनने चाहिए हम लोगों ने, कॉटन क्लॉथेस, कब कब पहनने चाहिए, वाइल लाइटनिंग क्रैकर्स, वाइल लाइटनिंग क्रैकर्स, क्रैकर्स मतलब फटाके, जब हम लोग फटाके फोड़ते हैं, लाइटनिंग क्रैकर्स मतलब फटाके फोड़ते हैं, तब कॉटन क्लॉथेस कॉटन के कपड़े हम लोगों ने पहनने चाहिए। होल्ड कैंडल्स एंड मैच स्टिक अवे फ्रॉम योर बॉडी, आपके बॉडी से दूर रखना चाहिए, होल्ड कैंडल्स एंड मैच स्टिक अवे फ्रॉम योर बॉडी, आपके बॉडी से वो दूर रखना चाहिए। वाइल लाइटनिंग देम, जब आप वो फटाके फोड़ते हैं तब वो कैंडल या मैच स्टिक माचिस की तिलिया आपके बॉडी से दूर रखनी चाहिए। अलवेज बर्न क्रैकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर, अलवेज बर्न अ क्रैकर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर, मतलब आपके बड़ो अगर आपके आपके बड़े लोग आपके फैमिली के जो बड़े लोग हैं वो उनके सामने ही आपने फटाके फोड़ने चाहिए। अलवेज बर्न अ क्रैकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, आपके बड़े घर के बड़े लोगों के सामने ही फटाके फोड़ने चाहिए। आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द सेफ्टी एट होम, क्या क्या करना नहीं चाहिए, मैच स्टिक नहीं खेलनी चाहिए, हाँ गर्म बर्तन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, डो नॉट टच हॉट यूटेंसिल, डो नॉट कवर फेस, आपको फेस कवर नहीं करना चाहिए, डो नॉट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग एल्डर्स, बड़ों से पूछ के नहीं लेना चाहिए मेडिसिन। फिर क्या है, डो नॉट लीव योर बुक्स बैग्स टॉयज एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर, जमीन पे बुक्स बैग्स नहीं डालना चाहिए, डो नॉट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे ऑयल और वाटर नहीं डालना चाहिए, नेवर टच एनी स्विच और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ वेट हैंड, गीले हाथों से, वेट हैंड मीन्स गीले हाथों से इलेक्ट्रिक सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वियर ओनली कॉटन क्लॉथेस वाइल लाइटनिंग क्रैकर्स, फटाके फोड़ते वक्त क्या रखना चाहिए, कॉटन क्लॉथेस पहनने चाहिए। आया समझ में? नाउ सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में सेफ्टी क्या बरतनी चाहिए, स्कूल में सेफ्टी एट स्कूल, सुरक्षता स्कूल में कैसी सुरक्षता हम लोगों ने बरतनी चाहिए। नेवर रन अराउंड और जंप ऑन अ डेस्क, नेवर रन कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, नेवर रन अराउंड और जंप ऑन अ डेस्क, डेस्क पर जंप नहीं करना चाहिए, उसके आजू बाजू में दौड़ना नहीं चाहिए। एंड बेंचेस इन द क्लासरूम, बेंच और डेस्क पर हम लोगों ने जंप नहीं करना चाहिए, यू मे फॉल डाउन एंड गेट इंजर्ड, आप क्या हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे और आपको लग जाएगा, आप इंजर्ड हो सकते हो। अवॉइड बैंगिंग डोर्स एंड विंडोज एज अ ग्लास कैन ब्रेक एंड हर्ट यू, अवॉइड बैंगिंग अ डोर्स मतलब क्या करना चाहिए, अवॉइड बैंगिंग डोर्स एंड विंडोज एज अ ग्लास कैन ब्रेक एंड हर्ट यू, मतलब कभी भी जोर से दरवाजा नहीं लगाना चाहिए, विंडो भी जोर से नहीं लगाना चाहिए, तो क्या हो सकता है, अवॉइड बैंगिंग डोर्स एंड विंडोज, बैंगिंग मतलब जोर से नहीं लगाना चाहिए, डोर्स और विंडोज, हमारे स्कूल का जो डोर्स और विंडोज है जोर से नहीं लगाना चाहिए, तो क्या हो सकता है, वहां पर जो ग्लास लगाया हुआ है, कांच लगाया हुआ, क्या हो सकता है, कैन ब्रेक, वो ब्रेक हो सकता है, वो कांच ब्रेक हो सकता है और आपको लग सकता है। Do not sharpen pencils with a blade. Blade से आपका पेंसिल शार्प नहीं करना चाहिए, ब्लेड से आपका पेंसिल शार्प नहीं करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, फिर आपने शार्पनर यूज करना चाहिए, यू मे कट योर फिंगर्स, आपके फिंगर्स कट हो सकते, यूज अ शार्पनर फॉर द पर्पज, आपने क्या यूज करना चाहिए, शार्पनर यूज करना चाहिए, किस लिए, पेंसिल को शार्प करने के लिए। Do not run while climbing up and down the stairs. मतलब जब हम लोग स्टेयर, यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये बच्चे लाइन में नीचे आ रहे हैं और लाइन से ऊपर जा रहे हैं, मतलब जब हम लोग किसी स्टेयर केस पर हम लोग नीचे उतरते हैं और ऊपर जाते हैं, तो हम लोगों ने लाइन में जाना चाहिए, हम लोगों ने दौड़ना नहीं चाहिए और उस पर हम लोगों ने क्लिम्बिंग भी नहीं करना चाहिए। डो नॉट रन वाइल क्लिम्बिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यू मे फॉल डाउन, आप लोग नीचे गिर सकते हो। तो आया समझ में, स्कूल में क्या क्या करना चाहिए, नेवर रन और जंप ऑन द डेस्क और बेंच, अवॉइड बैंगिंग मतलब जोर से दरवाजा नहीं लगाना चाहिए, खिड़की भी जोर से नहीं लगाना चाहिए, ग्लास कैन ब्रेक, ग्लास ब्रेक हो सकता है,
डू नॉट शार्पन द पेंसिल विथ ब्लेड, हाँ ब्लेड से पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए. यू मे यूज अ शार्पनर फॉर शार्पनिंग द पेंसिल. डू नॉट रन और क्लिंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयरकेस. स्टेयरकेस पर हम लोगों ने दौड़ना नहीं चाहिए, नीचे उतरते वक्त और ऊपर जाते वक्त. आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड पे हम लोगों ने क्या सुरक्षितता बरतनी चाहिए? प्लेग्राउंड पे हम लोग खेलने के लिए जाते हैं ना, तो प्लेग्राउंड पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए? सी, नेवर पुश योर फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग. नेवर पुश, कभी ढकेलना नहीं चाहिए योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को कभी ढकेलना नहीं चाहिए खेलते वक्त. व्हाइल प्लेइंग, व्हाइल प्लेइंग मतलब खेलते वक्त आपके फ्रेंड्स को ढकेलना नहीं चाहिए. नेवर पुश, पुश माने ढकेलना. फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द गेम्स यू प्ले. फॉलो ऑल द रूल्स, सारे रूल्स आपने फॉलो करने चाहिए. उस गेम, जो कोई गेम आप खेल रहे हो, उस गेम के सारे रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए. फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द गेम्स यू प्ले. डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम रूफ टॉप्स एज यू मे फॉल डाउन. डू नॉट फ्लाई काइट्स, काइट्स को, काइट्स पता है ना, तो हमारे रूफ टॉप्स, रूफ टॉप्स मतलब छत पर, रूफ टॉप्स माने छत, हमारे घर का छत, उसके ऊपर जाकर काइट्स को फ्लाई नहीं करना चाहिए. डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम रूफ टॉप्स, छत पर जाकर काइट्स को फ्लाई नहीं करना चाहिए. यू मे फॉल डाउन, आप कभी भी गिर सकते हो. फ्लाई काइट्स इन द पार्क और इन ओपन ग्राउंड. कहाँ पर फ्लाई करना चाहिए काइट्स को? इन द पार्क, पार्क में जाकर, या ओपन ग्राउंड पर, ओपन ग्राउंड पर जाकर काइट्स को फ्लाई करना चाहिए. डू नॉट हिट एनिमल्स अराउंड और इन द प्लेग्राउंड. किसी एनिमल को हिट नहीं करना चाहिए. डू नॉट हिट एनिमल्स अराउंड और इन द प्लेग्राउंड, मतलब किसी एनिमल को हिट नहीं करना चाहिए. अगर आपके आजू बाजू में कोई एनिमल है तो उसको हिट नहीं करना चाहिए, या प्लेग्राउंड पर कोई एनिमल है उसको हिट नहीं करना चाहिए. अलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग. अलवेज वेट फॉर योर टर्न, मतलब क्या करना चाहिए? जब स्विंग, स्विंग माने, स्विंग माने क्या? झूला. हम लोग झूले पे बैठते ना, तो झूले पे जब तक आपका टर्न नहीं आता है तब तक आपने वेट करना चाहिए. अलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग, जब तक आपका टर्न नहीं आता है तब तक आपने वेट करना चाहिए. डो नॉट प्ले नियर द थॉर्नी हेजेस. डो नॉट प्ले नियर द थॉर्नी हेजेस, मतलब थॉर्नी हेजेस मतलब, हेजेस मतलब कोई भी अगर छोटे छोटे पेड़ है, जो कांटे वाले पेड़ है, उनके पास में खेलना नहीं चाहिए. और बार्ब्ड वायर्स, बार्ब्ड वायर्स मतलब जो कांटे वाले वायर्स होते हैं, कांटे वाले जो वायर्स होते हैं उनके यहाँ पर खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट प्ले नियर द थॉर्नी हेजेस, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं वहाँ पर और कांटे वाले वायर्स के पास में नहीं खेलना चाहिए. आया समझ में? नाउ टर्न द पेज. सेफ्टी ऑन द रोड. सी, फॉलो ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड सिग्नल्स. हम लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए. फॉलो ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड सिग्नल्स. रोड, अगर रोड पे अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो हम लोगों ने रुकना चाहिए. अगर वो रेड नहीं है, ग्रीन है, तो हम लोगों ने वहाँ से क्रॉस होना चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक ऑन द बोथ साइड. बिफोर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड, जब हम लोग रोड को क्रॉस करते तो दोनों तरफ हम लोगों ने देखना चाहिए. लुक ऑन द बोथ साइड्स. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जब व्हाइट और ब्लैक कलर का स्ट्रिप होता है रोड पर, उसी से हम लोगों ने चलना चाहिए. देखिए यहाँ पर ये पिक्चर में, ये लड़का क्या कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस हो रहा है, उसी पर चलकर वो क्रॉस हो रहा है यहाँ पर ये लड़का. तो हम लोगों को भी ऐसा ही जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग एंड वॉक ऑन द फुटपाथ. एंड वॉक ऑन द फुटपाथ, हम लोगों ने क्रॉस द
जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग करनी चाहिए, वॉक ऑन द फुटपाथ। हाँ, फुटपाथ मतलब हम लोग जब क्रॉस करते हैं रोड तब हम लोगों ने जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज सबवेज टू क्रॉस द बिजी रोड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये पिक्चर में वो सबवे यूज कर रहे हैं, मतलब जो छोटा रास्ता होता है बड़े रास्ते के बाजू में, जो छोटा रास्ता होता है सबवे, बड़े रास्ते के बाजू में छोटा रास्ता होता है वो सबवे हम लोगों ने यूज करना चाहिए टू क्रॉस द बिजी रोड। जो गर्दी वाला रोड होता है वहां पर हम लोगों ने सबवे यूज करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज सबवे टू क्रॉस द बिजी रोड। नाउ डू नॉट गेट ऑन और ऑफ मूविंग अ बस, डू नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग अ बस, मतलब ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न। डू नॉट गेट ऑन ऑफ मूविंग बस, मतलब बस से डायरेक्टली नीचे नहीं उतरना चाहिए या चलते बस में डायरेक्टली नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट गेट ऑन ऑफ मूविंग अ बस, मूविंग बस मतलब अगर बस चल रही है तो हम लोगों ने नीचे नहीं उतरना चाहिए। और बस चल रही है और हम लोगों को चलती बस में चढ़ना नहीं चाहिए, चलती बस में से उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट गेट ऑन ऑफ अ मूविंग बस। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न, हम लोगों ने लाइन से बस में चढ़ना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, क्यू माने लाइन, एंड वेट फॉर योर टर्न, लाइन से ही हम लोगों ने बस में चढ़ना चाहिए। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल व्हाइल ट्रैवलिंग, डू नॉट पुट आउट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी का कोई भी पार्ट चलती बस में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल मतलब जो आप बस में बैठे हो या किसी व्हीकल में बैठे हो तो वहाँ से विंडो में से कोई भी पार्ट, आपका बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए। वियर अ सीट बेल्ट वाइल राइडिंग इन अ व्हीकल, वियर हम लोगों ने पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए हाँ वाइल राइडिंग इन अ व्हीकल। जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हम लोगों ने क्या लगाना चाहिए, वियर अ सीट बेल्ट, हम लोगों ने सीट बेल्ट लगाना चाहिए। आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सी। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं और यहाँ पर नाम दिए गए, यू टर्न, डू नॉट यूज हॉर्न प्लीज, ट्रैफिक सिग्नल, नो यू टर्न, डू नॉट एंटर और वन वे, और यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं। इस पिक्चर में क्या दिया गया है, यू टर्न नहीं लगाना है, नो यू टर्न, नो यू टर्न, यहाँ पे फोर नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, फोर नंबर, नो यू टर्न, ये नो यू टर्न का साइन है। डू नॉट एंटर, ये साइन किसका है, डू नॉट एंटर, फाइव नंबर, फाइव नंबर, डू नॉट एंटर, ये कौन सा साइन है, ये यू टर्न है, यू टर्न लेने के लिए, ये है फर्स्ट नंबर। वन वे, वन वे सिक्स नंबर, वन वे मतलब सिर्फ हम लोग जा सकते हैं, उधर से कोई नहीं आ सकता ये क्या है, ट्रैफिक सिग्नल, थर्ड नंबर, ट्रैफिक सिग्नल, थर्ड नंबर। ये क्या है, हॉर्न नहीं बजाना है, हॉर्न नहीं बजाना है, डू नॉट यूज हॉर्न प्लीज, डू नॉट यूज हॉर्न प्लीज, सेकेंड। आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट इज बर्न क्रैकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, डू नॉट शार्पन द पेंसिल विथ ब्लेड, नेवर पुश यूअर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। आया समझ में? नाउ द फर्स्ट एड, लास्ट टॉपिक, फर्स्ट एड माने क्या, फर्स्ट एड माने क्या, हम लोगों ने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम लोग क्या सावधानी बरत सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, मतलब हम लोगों ने अगर हमें चोट आई, इफ वी गेट हर्ट और इंजर्ड, तो व्हाट फर्स्ट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक, पहला प्रिकॉशन हम लोगों ने क्या लेना चाहिए, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, इमीडिएट हेल्प,
फर्स्ट एड माने क्या, इमीडिएट हेल्प देते हैं अगर किसी को हर्ट हुआ, हाँ कोई इंजर्ड हुआ, इंजर्ड पर्सन को हम लोग इमीडिएट हेल्प देते हैं बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स, मतलब डॉक्टर आने से पहले हम लोग उसको हेल्प करते हैं, कुछ लगाते हैं, मलम लगाते हैं या पट्टी बांधते हैं अगर किसी को इंजर्ड हुआ, कोई पर्सन इंजर्ड हुआ। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, मतलब डॉक्टर आने से पहले हम लोग उसको पट्टी लगाते हैं, मलम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इंस्पेक्ट ऑफ बींग केयरफुल एक्सीडेंट्स ऑकर, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो वी मस्ट नो व्हाट शुड वी डू सम वन गेट हर्ट, तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो हम लोगों को पता होना चाहिए। वी मस्ट नो व्हाट वी शुड डू व्हेन समवन गेट हर्ट। अगर कोई हर्ट होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। वी मस्ट नो व्हाट वी शुड डू व्हेन समवन गेट हर्ट, अगर किसी को कुछ होता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, डू नॉट गेट फ्राइटन ऑन सीइंग एन एक्सीडेंट, कीप काम, डू नॉट गेट फ्राइटन, हमें डरना नहीं चाहिए अगर हम लोगों ने एक्सीडेंट देखा तो। हम लोग कैसे रहना चाहिए, कीप काम, शांत रहना चाहिए, कीप काम, शांत रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाय इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, मेक द इंजर्ड पर्सन सिट, इंजर्ड पर्सन को क्या करना चाहिए, उसको बिठाना चाहिए या उसको सुला देना चाहिए, उसको बिठाना चाहिए या सुला देना चाहिए कंफर्टेबल पोजीशन में। कैसे बिठाना चाहिए उसको, कंफर्टेबल पोजीशन में उसको बिठा देना चाहिए या उसको सुला देना चाहिए, किसे, इंजर्ड पर्सन को। डू नॉट लेट क्राउड गैदर अराउंड द इंजर्ड पर्सन, डू नॉट लेट क्राउड गैदर, मतलब क्राउड माने गर्दी नहीं होनी चाहिए, वहां पर ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, क्राउड नहीं होना चाहिए, आया समझ में, ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। डू नॉट लेट क्राउड गैदर अराउंड द इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन जो है उसके आजू बाजू में क्राउड नहीं करना चाहिए, भीड़ नहीं होनी देनी चाहिए, ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। डू नॉट लेट क्राउड गैदर अराउंड द इंजर्ड पर्सन, गिव हिम हर ड्रिंकिंग वाटर, उसको क्या देना चाहिए, थोड़ा पानी पीने के लिए देना चाहिए, गिव हिम ड्रिंकिंग वाटर, उसको ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए, पानी पीने के लिए देना चाहिए। इफ ए पर्सन इज ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग माने उसका खून निकल रहा है, उस आदमी का खून निकल रहा है, ब्लीडिंग माने खून निकलना, इफ पर्सन इज ब्लीडिंग वॉश द वुंड, वुंड मतलब उसकी इंजर्ड पार्ट है, जख्म, उसको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, वाटर से उस जख्म को क्लीन करना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, वहां पर क्या लगाना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन, आपके पास कोई एंटीसेप्टिक लोशन है तो वो लगाना चाहिए। टाई अ क्लीन हैंकी बैंडेज, टाई करना चाहिए, क्लीन हैंकी बैंडेज मतलब एक अच्छा साफ सुथरा रुमाल उस पर बैंडेज करना चाहिए, टाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बैंडेज लगाना चाहिए या कोई रुमाल उसको टाई करना चाहिए। कीप द वुंडेड पार्ट अप, जहां पर जख्म हुई है वहां पर क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, बैंडेज लगाना चाहिए, और रुमाल उस पर क्या करना चाहिए, टाई करना चाहिए। इफ अ पर्सन कैचेस माइनर बर्न्स, अगर किसी आदमी को जल गया, कोई आदमी अगर थोड़ा जल गया है, इफ अ पर्सन कैचेस माइनर बर्न्स, थोड़ा जल गया है, माइनर बर्न्स मतलब थोड़ा जल गया है, प्लेस द बर्न एरिया अंडर अ कूल रनिंग वाटर, प्लेस द बर्न एरिया, जो जला हुआ पार्ट है, बर्न एरिया जला हुआ पार्ट कहां पर रखना चाहिए, अंडर अ कूल रनिंग वाटर, मतलब उस जले हुए पार्ट पे क्या डालना चाहिए, थोड़ा पानी डालना चाहिए, एंड अप्लाई ऑइंटमेंट, और उस पर पानी डालने के बाद क्या डालना चाहिए, लगाना चाहिए ऑइंटमेंट,
मतलब एक ट्यूब लगाना चाहिए, एक लोशन लगाना चाहिए। इफ अ पर्सन कैचेस अ माइनर बर्न्स, माइनर बर्न्स मतलब अगर कोई आदमी थोड़ा जल जाता है तो प्लेस द बर्न एरिया, जो उसका जला हुआ एरिया है उसको कूल करना चाहिए। कहाँ पर? रनिंग वाटर, मतलब उस पर पानी डालना चाहिए। एंड अप्लाई ऑइंटमेंट, और उस पर ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। इफ अ पर्सन कैचेस फायर, कवर हिम विथ अ ब्लैंकेट, अगर किसी आदमी को आग लग गई, इफ पर्सन कैचेस फायर, किसी आदमी को आग लग गई, कवर हिम विथ अ ब्लैंकेट, उस पर ब्लैंकेट डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? कवर विथ अ ब्लैंकेट, टू कट ऑफ एयर सप्लाई, उस पर ब्लैंकेट डालने से क्या होगा, एयर का सप्लाई बंद हो जाएगा, हवा का सप्लाई बंद हो जाएगा, और वो फायर बंद हो जाएगी। कॉल अ डॉक्टर और अडल्ट एज सुन एज पॉसिबल, और डॉक्टर को बुलाना चाहिए और किसी बड़े आदमी को बुलाना चाहिए। आया समझ में? तो हम लोगों ने कौन सी फर्स्ट एड बरतनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए, इंजर्ड पर्सन को बिठाना चाहिए अच्छे से, क्राउड नहीं होने देनी चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए, अगर उसका खून निकल रहा है तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, उसको खून को वॉश करके एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए और उस पर रुमाल बांधना चाहिए। अगर कोई आदमी थोड़ा जल गया है तो वहाँ पर जले हुए पे पानी डालकर उस पर ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। अगर कोई आदमी को आग लग गई है, मतलब वो पूरा जल गया है, तो उस पर क्या डालना चाहिए, ब्लैंकेट डालना चाहिए है, और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आया समझ में? हैव यू सीन इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में वही दिखाया गया है। देखो यहाँ पे ब्लड निकल रहा है, वहाँ पर वो साफ करके रुमाल लगा रहा है, यह आदमी इंजर्ड हो गया है, उसको नीचे सुलाया गया है, यहाँ पे इस लड़की का हाथ जल गया है, उस पर पानी डाला जा रहा है, तो ये सावधानी हम लोगों ने बरतनी चाहिए। तो आया समझ में ये चैप्टर? सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।